किसी भी एक ऐसे व्यक्ति की विचारों को पॉजिटिव कर देना, उसका मेथड मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कि एक ऐसा केस है जिस केस में एक ऐसा शख्स है, युवा पर्सन है, उसकी शादी हो चुकी है और उसके बच्चे भी हैं एक या दो, लेकिन अभी वो इमोशनल लेवल पर अपने पेरेंट्स से और अपने ब्रदर से अटैच्ड है बहुत ज़्यादा। वो ये अच्छी बात है अटैच रहना, बट उसके अंदर एक ऐसी ईगो की फीलिंग है कि मुझे अपने पेरेंट्स और ब्रदर्स और ब्रदर्स की वाइफ को ही फाइनेंशियल सपोर्ट करना है जो मैं कमा रहा हूँ, मैं अपनी पत्नी और बच्चों के लिए ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, यानी कि वो थोड़ा बहुत कर लूँगा ठीक है या उनको बाद में देखेंगे या ऐसा कुछ। तो इस तरह से करके जो उसकी पत्नी है और उसके बच्चे हैं इनसिक्योर्ड हो रहे हैं और उनको तकलीफ भी हो रही है, उसकी वाइफ को कुछ भी खर्चा नहीं मिल पा रहा है समय से, जिसकी वजह से वो बहुत ही डिप्रेशन में है, दिक्कत में है, उलझन में है, परेशानी में है और उसको चिंता है कि मेरे हस्बैंड की सारी कमाई मेरे सास ससुर और मेरे जो जेठ जेठानी है उनके पास चला जा रहा है, तो मेरे पास तो कुछ नहीं आ रहा है। देखिए, उस व्यक्ति में कोई कमी नहीं है कि वो अपने फैमिली मेंबर्स के लिए ऐसा कर रहा है, ये गलत बात नहीं है, बट अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है और उनको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, उनको फाइनेंशियल हेल्प भी नहीं कर रहा है, इमोशनल हेल्प भी नहीं कर रहा है और उनको हर्ट कर रहा है कि तुम किनारे रहो, तुम बाद में आए हो और हम तुम्हें उतना वैल्यू नहीं देते जितना कि मैं अपने पेरेंट्स और ब्रदर को वैल्यू देता हूँ। तो चूंकि वैल्यू देना ठीक बात है, वो दीजिए, बट फाइनेंशियल और इमोशनल लेवल पर आप अपनी वाइफ को भी, उस पर्सन को चाहिए कि उसे अपनी वाइफ को भी और अपने बच्चे को भी उतना ही सपोर्ट करें, तो क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो जो वाइफ है उसको खर्च के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं, वो रो भी रही है, गिड़गिड़ा रही है, दिक्कत है। इस तरह का केस है कोई, मान लीजिए आपके सामने आता है, तो आप इस तरह से उस व्यक्ति को जो उस सेंटर पॉइंट पर है, जो कि ध्यान नहीं दे रहा अपनी पत्नी को, इमोशनल सपोर्ट नहीं दे रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दे रहा है, गाली गलौज भी कर रहा है थोड़ा बहुत, मारपीट भी रहा है थोड़ा बहुत कि तुम क्यों बीच में रोकती हो, मैं अपने परिवार के लिए सब कुछ करने वाला हूँ और जो भी कमाऊंगा सब अपने परिवार वालों को ही दूंगा, मैं तुम्हें दूं या ना दूं तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हें खाने को मिल रहा है इतना ही काफी है। तो ये जो व्यवहार है उसका, एक तरफ तो नेगेटिव है और एक तरफ तो पॉजिटिव है, कहीं पर इतना पॉजिटिव ना हो जाए कि वो पॉजिटिव नेगेटिव बन जाए और कहीं पर इतना नेगेटिव ही रहे कि उसको तकलीफ ही तकलीफ रहे। तो इस सिचुएशन से उस पर्सन को बाहर निकालने के लिए जो रेकी या एंजल करनी चाहिए वो कैसे करना चाहिए और अफर्मेशन कैसे देना चाहिए, उसका पूरा एक सिस्टम तैयार करके कि वो पर्सन अपनी रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ ले और समझ के साथ में उसके विचार चेंज हो जाए और उसके विचार चेंज हो, वो अपने फैमिली मेंबर्स के लिए जो करना है वो करे, ठीक बात है, लेकिन अपनी वाइफ के लिए भी उतना ही सपोर्टिव और हेल्पफुल हो और रिस्पॉन्सिबल हो और इमोशनल एंड फाइनेंशियल और फिजिकल और मेंटल हर तरह से अपनी वाइफ और बच्चे को प्रोटेक्ट करे, हेल्प करे, तो वो एक नॉर्मल लाइफ होगी, उसके लिए अच्छी बात होगी। तो ऐसे केस भी आते हैं आपके पास, क्योंकि हमारे पास तो ढेर सारे ऐसे केस आते हैं और हम सॉल्व भी करके देते हैं, आपके पास भी अगर ऐसा कोई केस आता है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि उस पर्सन का नाम, एज, एड्रेस, फोटो लिख लीजिए, ले लीजिए और उसकी वाइफ का भी ले लीजिए। अगर कोई कहता है वो वाइफ ही आपके पास आती है हीलिंग कराने के लिए, क्योंकि वो हस्बैंड तो आएगा नहीं, उसको समझ में नहीं आ रहा, उसको तो एक सनक सवार है कि नहीं मुझे अपने पेरेंट्स और ब्रदर के लिए ही सब कुछ करना है, चूंकि वो पहले से उस परिवार में पला हुआ आ रहा है, अब चूंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो रही है तो अपने परिवार के लिए जो करना है वो करे, लेकिन अपनी वाइफ के लिए भी उसको बहुत कुछ करना चाहिए, करना है बट वो कर नहीं पा रहा है, तो वही चीज उसको याद आ जाए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सामने क्लियर हो जाए, इस चीज के लिए उसके थॉट को चेंज करना है, उसके विचारों को चेंज करना है, जिससे कि वो उस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने उस वाइफ और बच्चे के लिए पूरी तरीके से निभाए और अपने फैमिली मेंबर्स के लिए भी जो करना है वो करे, जितना उचित हो वो करे। बट अति सर्वत्र वर्जते, वो बहुत ज्यादा कर रहा था, इसकी वजह से वाइफ को तकलीफ हो रही थी, तो वाइफ ने कहा आपसे आकर कि मेरी ये दिक्कत है और मैं चाहती हूँ कि वो अपने फैमिली मेंबर्स के लिए भी जो करना है करे, बट हमारे लिए भी उनको करना चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको
पता चल जाए, तो ये विचार उनके माइंड में आ जाए, तो उनका माइंड इस तरह से कन्वर्ट हो जाए कि वो हमारी तरफ भी पूरी तरह ध्यान देने लग जाए। तो ऐसा करने के लिए आपको करना क्या है, उस पर्सन का नाम, एज, एड्रेस, फोटो तो आपको मंगा नहीं है, आप एंजल हीलर हैं और रेगी हीलर हैं, दोनों हैं, अफर्मेशन के मास्टर हैं, अफर्मेशन के बारे में आप जानते हैं अच्छी तरह से। तो अब उस वाइफ यानी उस पत्नी का भी नाम, एज, एड्रेस, फोटो ले लीजिए तो ज्यादा अच्छा है, और उसके फैमिली मेंबर्स जितने भी हैं उनका नाम मिल जाए तो भी काफी है, फोटो एज एड्रेस ना मिले तो चलेगा, सिर्फ नाम मिल जाए तो ठीक है, फोटो मिल जाए तो वो भी सही है, सबका लगाइए। और सती सिंबल आपके पास होना चाहिए, सती के साथ में शांति होना चाहिए और हाथ, ये तीन सिंबल जरूर होना चाहिए, जुनार भी चौथा सिंबल, ये चार सिंबल होने चाहिए, और बाकी के चार सिंबल जैसा कि हंसा जेशनेन सेह की चोपुरी दाइकुमी, अब ये आठ सिंबल आपके पास होने ही होने चाहिए। आप मास्टर लेवल में हैं, आगे आपने नहीं किया है तो उन चार सिंबल को अलग से अट्यून करा सकते हैं कहीं भी, और अट्यून कराने के बाद इसको पूरा मेथड सीख सकते हैं, सीखने के बाद फिर अप्लाई करेंगे, रिजल्ट आना तय है, डेफिनेट रिजल्ट आ जाएगा, उस पर्सन को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद आ जाएगी और वो नॉर्मल हो जाएगा, अपनी वाइफ और बच्चों के लिए भी पूरी तरीके से सपोर्ट करने लग जाएगा, और जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके फैमिली मेंबर्स के लिए है वो उतना करेगा, मतलब दोनों में ज्यादा भेद नहीं करेगा, मतलब डिफरेंस नहीं रहेगा, एक नॉर्मल बिहेवियर उसके सामने आ जाएगा, वो एक्टिविटी आ जाएगी, वो थॉट्स आ जाएंगे। तो करना क्या है कि पूरा प्रोसेस कर लीजिए, डायरी में लिख लीजिए, और एक जो चार्ट पे आप बनाते हैं सती सिंबल, सती सिंबल को चार्ट पे बनाना है बड़ा सा, और एक तरफ लेफ्ट हैंड में जो जब आप चार्ट बना के रखेंगे तो सामने जब आप बैठेंगे चार्ट के सामने, चार्ट पेपर पर सामने बैठेंगे तो जो लेफ्ट हैंड का वो बीच में सर्किल है उस तरफ जितने भी उम्र में बड़े लोग होंगे उनकी फोटो लगाएंगे, और राइट सर्किल में जो उम्र में छोटे लोग होंगे उनकी फोटो लगा देंगे, और जो दाइकुमियो हंसा जैसे चोकोरे सेहे की बनाना है चारों तरफ वो बना लीजिए और ड्रॉ करके रख लीजिए चार्ट, और उसके बाद से हीलिंग करना शुरू करिए। फिर इसको आप उसी सूर्य की किरणों के जो मेथड हमने बताया था, सूर्य की किरणों के मेथड से आप ये करिए कि अब वहाँ पे सबको विजुलाइज कर लीजिए, शांत एकांत में बैठ जाइए, रिलैक्स हो जाइए और रेकी कॉल करिए, आई थैंक माई सेल्फ, आई थैंक रेकी एनर्जी, आई थैंक माई पेरेंट्स एंड टीचर्स, आई थैंक माई पार्टनर्स, सबकी फोटो लगा लिया, नाम एज एड्रेस लिख लिया, पिरामिड लगा लिया है चार्ट के ऊपर, सब कुछ ओके हो गया है, अब उन सबको कॉल कीजिए उनका नाम लेकर, प्लीज कम प्लीज कम प्लीज कम, सबको कॉल करके वहाँ पे बैठा दिया आपने, वो बैठे हुए हैं, अब आपने विजुलाइज किया, आप सफेद प्रकाश क्राउन चक्रा में आ रहा है और थर्ड आई से निकल के सूर्य की किरणों में जाके समा रहा है, सूर्य में समा रहा है, आपके द्वारा जो थर्ड आई में सफेद प्रकाश निकल रहा है वो सूर्य में जाके समा रहा है, और ध्यान रखना है जिधर जिस टाइम पर आप हीलिंग कर रहे हो उधर सूरज निकला हुआ हो, उधरी चेहरा करके बैठना है। मान लीजिए रात में कर रहे हैं तो रात में सूरज तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको पता है कि रात में 10 बजे सूरज किस दिशा में होगा, अंदाजा लगा लीजिए, उस दिशा में आप मुंह करके बैठ के हीलिंग करिए और चेहरा आपका उधरी रहना चाहिए। थर्ड आई से किरणें निकल के सूर्य में समाहित हो रही है और सूर्य से व्हाइट व्हाइट लाइट एनर्जी बहुत ढेर सारा निकल के वो वहां पे बैठे हुए जितने भी लोग उन सभी के ऊपर वो एनर्जी आ रही है, वो किरणें आ रही हैं, प्रवाहित हो रही हैं और सबको घेरे हुए हैं और हील कर रही हैं। अब आप सिंबल ड्रॉ करना शुरू कीजिए माइंड के अंदर, हंसा जैसेनिन 3 times chant, सेहे की 3 times chant, चोपुरे 3 times chant, दाइकुमियो 3 times chant, और सारे सिंबल ड्रॉ करके सूर्य में भेजिए और सूर्य से वापस वो किरण, सूर्य के किरणों के माध्यम से उनके ऊपर सभी के ऊपर वो सिंबल्स जाके ड्रॉ हो रहे हैं और सभी को कवर करके हील कर रहे हैं। फिर जोनार 3 times chant, शांति 3 times chant, सती 3 times chant, हार्थ 3 times chant, इतने चार सिंबल और ड्रॉ करके उनके ऊपर डालिए और विजुलाइज करिए कि वो सिंबल निकल रहे हैं, उनके ऊपर आ रहे हैं, सूर्य से क्रॉस होकर आप उनके चारों तरफ वो सिंबल्स उनके ऊपर ड्रॉ हो रहे हैं, और फिर अफर्मेशन देना शुरू कीजिए कि इन सभी में बहुत शांति है, सुख है, आराम है, चैन है, सब मिलजुल कर रह रहे हैं, और ये जो स्पेसिफिक पर्सन है, इस स्पेसिफिक पर्सन का की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो समझ रहा है, अपनी वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, किसके लिए कितना करना चाहिए, उसको यथाउचित सही डिसीजन लेने की शक्ति प्राप्त हो गई है, और वाइफ इसकी बहुत खुश है और उसके विचार पॉजिटिव हो गए हैं,
और हस्बैंड के विचार पॉजिटिव हो गए हैं, जो पर्सन उसमें मेन सेंटर पॉइंट पर है, जिसकी प्रॉब्लम है, जो अपनी वाइफ को देख नहीं पा रहा है, उसके ऊपर ही ज्यादा फोकस करें और सभी आपस में एकता के भाव से, प्यार के भाव से, सहयोग के भाव से रह रहे हैं, ये अफर्मेशन कीजिए, फीलिंग कीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए बार बार, ये कम से कम 20-25-30 मिनट तक करिए। उसके बाद लास्ट में फिर वापस व्हाइट व्हाइट लाइट से घिरा हुआ पाइए, क्राउन चक्रा में थर्ड आई से निकलती हुई किरणें और सूर्य में जाके समाहित हो रही है, और सूर्य से वापस फिर इनके ऊपर वो किरणें प्रवाहित होके चारों तरफ घिरे हुए हैं, हील कर रही हैं, और आप ये फिर आठों सिंबल ड्रॉ करके इसी सेट स्टेप बाय स्टेप इसी सीक्वेंस में ड्रॉ करके उनको वापस किरणों के माध्यम से उनके शरीर के ऊपर डालिए और फिर डिस्कनेक्ट करिए। थैंक्स टू रेकी एनर्जी, इसमें हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थर्ड आई और दिमाग का लगाने की जरूरत है, और विजुलाइजेशन और अफर्मेशन की जरूरत है, वो सारे अफर्मेशन आप देना शुरू कीजिए। ऐसा आप कंटिन्यू करते रहिए, इस तरह के केस सॉल्व होने में 30 to 90 days मैक्सिमम लगने वाला है, within 30 days, within 10 days में कभी भी रिजॉल्व हो सकता है, लेकिन सामने वाले को आप 90 days का टाइम बताइए कि 90 days में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी, हर हाल में इसके अंदर कभी भी सॉल्व हो सकती है। उससे जो फी चार्ज लेनी है आपको नॉमिनल, वो मंथली लीजिए, और अगर आपने 10 days में प्रॉब्लम सॉल्व करके दे दिया तो आगे उसको सेकंड मंथ में फी जमा नहीं करनी पड़ेगी और उसको हीलिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसका काम हो गया। अगर 1 month में नहीं हुआ तो सेकंड मंथ में हुआ तो फिर फी चार्ज ले लीजिए, और लेकिन आप कोशिश ये करिए कि उसकी प्रॉब्लम within 1 month 10 days कितनी भी जल्दी खत्म हो जाए, ठीक है, वो फ्री हो जाए, आजाद हो जाए, आप भी फ्री हो जाए। आप पैसे के लिए टाइम मत खींचिए अपनी तरफ से कि उससे और अगले महीने में मैं फी ले सकता हूँ, इस बात के लिए आप उससे बिल्कुल ही टाइम मत खींचिए। आप उसको जितना टाइम दीजिए उससे कम से कम टाइम में उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके दे दीजिए, तो उससे दुआएं मिलेंगी, उससे खुशियां मिलेंगी, आगे वो और आपसे जुड़ा रहेगा और दूसरे काम होंगे तो वो करवाएगा। ऐसा करके आप चलिए और पूरी ईमानदारी के साथ हीलिंग कीजिए, जिससे कि जो लोग भी आपसे जुड़ रहे हैं उनको 1000% आपसे रिजल्ट जरूर मिले, जरूर मिले। थैंक यू।